न्यूज फोर सिटी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खेल खबरों की ओर। दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में 5 दिवसीय वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 शुरू। 23 से 27 अक्टूबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत के अलावा नेपाल, भूटान और जापान समेत 30 देशों के लगभग 400 वेट लिफ्टर शिरकत कर रहे हैं। निराली पटेल योर नेक्स्ट इवेंट। गुड लक। गुड लक। चैंपियनशिप के पहले दिन महिला वर्ग में कई रिकॉर्ड टूटे तो कई नए रिकॉर्ड बने। महिला वर्ग में भारत की ओर से अल्फिया शेख ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह रिकॉर्ड उनके कैरियर के लिए काफी अहम है। और मैं पावर लिफ्टर हूँ, अभी तक के मेरे पास टोटल 29 गोल्ड मेडल्स हैं और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप था। और अभी तक के मेरा डेडलिफ्ट में हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो मैंने अभी आज लिफ्ट किया। और कितने वेट में करियर ये है कि अच्छा जॉब लग सकता है। और मोस्टली लड़कियां इस पर पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट मैं 2-2.5 साल से हूँ और अभी तक के मैंने जो भी चैम्पियनशिप खेला है, जो भी कॉन्टेस्ट हुआ है मेरा, उसमें मैंने हमेशा टाइटल होल्ड किया है। चैम्पियनशिप मैंने ही लिया है और गोल्ड मेडल भी मेरा ही रहा है 56 वेट। कितने कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए ईच डे, राइट? तो वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपका वेट भी कम होना चाहिए, फैट लॉस भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपका स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो उस हिसाब से सब कुछ ट्रान आउट करना होता है। जब भी पावर लिफ्टिंग का सवाल आता है तो फॉर्म प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? जब आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए, जब भी आप डेड लिफ्ट करते हो, स्क्वाट्स करते हो, बेंच करते हो, तो आपका आर्च रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी इंजरीज हो जाती है, कई पावर लिफ्टिंग का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि एकदम एक्सट्रीम लिमिट में खेलना होता है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट करना होता है, तो आपका बॉडी को भी आगे तक संभाल के रखना है। तो वो चीज़ें बैलेंस करना होता है कि आपका लिफ्ट कितना जाना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में जाना चाहिए। अगर गलत लिफ्ट हुआ तो वो भी हो सकता है, इंजरी के चांसेस काफ़ी रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत, न्यूट्रिशन से लेकर हर चीज़ काफ़ी कुछ होता है। चैंपियनशिप के उद्घाटन के अवसर पर जाने माने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स, दिल्ली ओलंपिक खेल संघ के कुलदीप वत्स और द्रोणाचार्य अवार्डी भूपेंद्र धवन समेत कई गणमान्य शख्सियत उपस्थित रहे।